हाय गाइस, दिस इज अमित सिन्हा। आज हम डिस्कस करेंगे हैरो से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो तक हमने सेकेंडरी लेज इंप्लीमेंट्स जो कल्टीवेटर हैरोस को कवर कर लिया था, तो उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डिस्क हैरो अ डिवाइस यूज टू प्रोवाइड अ डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्क माउंटेड ऑन सेम गैंग एक्सेप्ट इज। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं स्क्रैपर, सेकंड ऑप्शन है गैंग, थर्ड ऑप्शन है स्पूल और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है आर्बर होल। ठीक है ना, तो जब हम डिस्क हैरो पढ़ रहे थे तो डिस्क हैरो में आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे कि ऑप्शंस, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बता देता हूँ आपको। जैसे कि क्वेश्चन है, इन डिस्क हैरो अ डिवाइस यूज टू प्रोवाइड अ डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्क माउंटेड ऑन सेम गैंग एक्सेलिस, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पूल बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपका डिस्क हैरो है, ठीक है ना, तो डिस्क हैरो में क्या होता है, एक शाफ्ट होता है ऐसे, ठीक है ना, एक उसको शाफ्ट को क्या बोलते हैं अपन, जनरली आर्बर बोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक ऑप्शन है क्या चीज आपका, आर्बर बोल्ट, तो जो शाफ्ट हो गया उसको क्या बोलते हैं, आर्बर बोल्ट। अब उसमें क्या रहता है आपका, ऐसे डिस्क माउंट रहता है, ठीक है ना, शाफ्ट के ऊपर ऐसे डिस्क माउंट रहते हैं आपके डिस्क हैरो में। ठीक है, तो ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क माउंट है, तो इसका जो कंप्लीट सेटअप है उसको गैंग बोलते हैं। ठीक है ना, और स्क्रैपर क्या होता है, डिस्क में जो आपके यहाँ पर ऐसे लगा होता है, जो भी ट्रेसेस वगैरह ऐसे होते हैं, जो सॉइल स्टिक हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए जो वहां पर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्रैपर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डिस्क हैरो डिवाइस यूज टू प्रोवाइड अ डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्क माउंटेड ऑन सेम गैंग एक्सल। ठीक है, ये हो गया गैंग एक्सल, और इसके बीच में जैसे ये वाला एक डिस्क हो गया, ये दूसरा डिस्क आपका क्या हो गया, ये दूसरा डिस्क हो गया। ठीक है ना, तो दोनों के बीच में, अगर जैसे कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पूल बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर सी। ठीक है ना, अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अ शाफ्ट और डिस्क हैरो ऑन विच द नंबर ऑफ डिस्क आर माउंटेड इज। ठीक है, जैसे कि सेम क्वेश्चन है, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एज इट इज, वैसे ही क्वेश्चन है, बस जैसे कि इसके ऑप्शन भी है क्या क्या, आपका स्टैंडर्ड हो गया, आर्बर बोल्ट हो गया, स्पेसर हो गया और स्क्रैपर हो गया। ठीक है ना, तो जैसे कि इमेज में हमने देखा था कि जैसे कि एक शाफ्ट है, इसमें ऐसे आपका ऐसे ऐसे डिस्क माउंट है। ठीक है ना, तो यही वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ शाफ्ट ऑफ डिस्क हैरो ऑन विच द नंबर ऑफ डिस्क आर माउंटेड। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे कि ये शाफ्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्बर बोल्ट। ये वाला जो शाफ्ट दिख रहा है ना, ये वाला शाफ्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्बर बोल्ट बोलते हैं। बाकी जैसे कि जो और इसमें जो ऑप्शंस हैं, एक हो गया स्टैंडर्ड, तो जो हम लोग आपका जब डिस्क प्लाव पढ़ रहे थे तो उसमें स्टैंडर्ड डिस्क प्लाव पढ़े थे। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड डिस्क प्लाव में जैसे कि ये हमारा ऐसे ये फ्रेम था, तो यहाँ पर जो डिस्क माउंट था, ठीक है ना, जो डिस्क माउंट था, तो उस पर्टिकुलर एक डिस्क के लिए ऐसे एक स्टैंडर्ड बना हुआ था। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया था, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है, उस डिस्क हैरो में स्टैंडर्ड कहलाता है। ठीक है ना, एक हो गया स्पेसर, जैसे कि ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस स्पेसर हो या फिर स्पूल हो, ठीक है ना, डिस्क हैरो में, या फिर वर्टिकल डिस्क प्लाव जो देखे थे, जो दो डिस्क के बीच में आपको स्पेस मेंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसर बोलते हैं। और एक है आपका क्या चीज, स्क्रैपर, जो स्क्रैपर हो गया था, यहाँ पर जो स्टिक सॉइल स्टिक हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए जो लगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्रैपर बोलते हैं। ठीक है ना, सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेथड ऑफ प्लॉइंग इन विच द प्लाउ वर्क्स अराउंड ए स्ट्रिप ऑफ अनप्लाउड लैंड। ठीक है ना, तो यहां पर देखो, ध्यान से देखो इसको कि क्या बोल रहा है, अ मेथड ऑफ प्लॉइंग इन विच द प्लाउ वर्क्स अराउंड ए स्ट्रिप ऑफ अनप्लाउड लैंड। अनप्लाउड लैंड, तो उसको क्या बोलते हैं, गैदरिंग बोलते हैं या कास्टिंग बोलते हैं, हेडलैंड बोलते हैं या नन ऑफ दिस। ठीक है ना, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कास्टिंग हो जाएगा। कोई भी आपका जो प्लाउंग, जैसे मान लो जाए ये फील्ड हो गया, ठीक है ना, ये आपका ऐसे ये फील्ड हो गया, और इसमें क्या बोल रहा है कि प्लाउइंग इन विच द प्लाउ वर्क्स अराउंड ए स्ट्रिप ऑफ अनप्लाउड लैंड, मतलब आपका जो प्लाउइंग है ये साइड टू सेंटर हो रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से आपका क्या हो रहा है, प्लाउइंग हो रहा है, तो आपका राउंड, मतलब जो आपका इम्प्लीमेंट है वो किसके राउंड लगा रहा है, जो अनप्लाउड लैंड है उसके राउंड लगा रहा है। ठीक है ना, तो उस टाइप का जो आपका जो प्लाउइंग होता है उसको क्या बोलते हैं आप, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसे प्लाउइंग क्या कहलाता है, कास्टिंग कहलाता है। कास्टिंग मतलब आपका साइड टू सेंटर। सेकंड आपका जैसे कि, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर का, द मेथड ऑफ प्लाउइंग इन विच द प्लाउ वर्क्स अराउंड द स्ट्रिप ऑफ गैदरिंग स्ट्रिप ऑफ प्लाउड लैंड। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है आपका,
फोर्थ का आंसर क्या जाएगा, गैदरिंग। अब जैसे कि ये फील्ड हो गया है ना, ये फील्ड हुआ वापिस अपन बनाते हैं इसको, ये फील्ड हो गया। और इसमें प्लाउइंग कैसा होता है, राउंड हिस्ट्री ऑफ ए प्लाउड लैंड, मतलब सेंटर टू साइड, आपका सेंटर से स्टार्ट होगा प्लाउइंग करना, ऐसे जाएगा फिर ऐसे वापिस ऐसे आएगा, फिर देखो ये जो प्लाउड लैंड है उसके चारों ओर आपका इंप्लीमेंट क्या होगा, ऐसे ऐसे रोटेट होगा, ठीक है ना। तो अगर प्लाउड लैंड है उसके अगर चारों ओर आपका रोटेट हो रहा है आपका जो इम्प्लीमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, गैदरिंग बोलते हैं। तो ये जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैदरिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, एन ओपन ट्रेंच लेफ्ट बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप ऑफ लैंड आफ्टर द प्लाउइंग, ठीक है ना। एक ओपन ट्रेंच लेफ्ट बिटवीन टू एडजेसेंट ऑफ लैंड आफ्टर द प्लाउइंग, उसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है बैक फरो, सेकंड ऑप्शन है डेड फरो, थर्ड ऑप्शन नहीं सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आपका फरो वॉल, सेकंड ऑप्शन है आपका डेड फरो, थर्ड ऑप्शन है बैक फरो, और लास्ट ऑप्शन है आपका फरो स्लाइस, ठीक है। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेड फरो, ठीक है ना। ए ओपन ट्रेंच लेफ्ट बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप ऑफ लैंड आफ्टर द प्लाउइंग, जब प्लाउइंग करते हैं जनरली हम जब साइड टू सेंटर प्लाउइंग करते हैं तो आपका डेड फरो बनता है। तो यहां से ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि साइड टू सेंटर करते हैं तो क्या फरो बनता है, या फिर डेड फरो कब बनता है आपका, साइड टू सेंटर या फिर सेंटर टू साइड, तो ये चीज भी आपका इंपॉर्टेंट है, या फिर ये जो डेड फरो है वो गैदरिंग में बनता है या कास्टिंग में बनता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, एन ओपन ट्रेंच लेफ्ट बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप ऑफ लैंड आफ्टर द प्लाउइंग इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर बी, डेड फरो, ठीक है ना। अब जैसे कि जो फरो वॉल हो गया और बैक फरो हो गया और फरो स्लाइस हो गया, तो जो बैक फरो आपको पता ही है, जैसे कि हम जब सेंटर टू साइड हम जब प्लाउइंग करते हैं, मतलब जैसे कि ये आपका हो गया, ये फील्ड हो गया, आप जैसे कि सेंटर टू साइड हम लोग ऐसे गए फिर ऐसे वापिस आए, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो जाता है एक, मतलब आपका जो फरो स्लाइस इधर टर्न हो रहा है, जब वापिस आओगे इधर टर्न होगा, तो जो ओवरलैपिंग हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका जो बैक फरो कहलाता है वो फरो स्लाइस, मतलब जब आप जैसे कि फील्ड में जब आप इंप्लीमेंट को ऑपरेट कर रहे हो तो जो फरो स्लाइस जो स्वाइल टर्न होता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, जो स्वाइल टर्न हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, फरो स्लाइस बोलते हैं। और जो फरो वॉल हो गया, तो जो एक साइड जो अनडिस्टर्ब स्वाइल का जो वॉल रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फरो वॉल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, एन ओपन ट्रेंच लेफ्ट बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप ऑफ लैंड आफ्टर द प्लाउइंग, इसको क्या बोलते हैं आपका, डेड फरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए अनडिस्टर्ब सॉइल सरफेस ऑफ ए फरो इज, ठीक है ना। जो अनडिस्टर्ब सॉइल सरफेस होता है फरो का वो क्या होता है, तो छठवां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, फरो वॉल, ठीक है। ए अनडिस्टर्ब सॉइल सरफेस ऑफ ए फरो इज ए फरो वॉल, जैसे कि ये वापिस इसको देखना, ये हमारा हो गया क्या चीज, फील्ड है ना, ये अपन यहां से टिलेज ऑपरेशन करना, मतलब आपका ऑपरेशन जो भी हो, हैरोइंग हो या फिर टिलेज ऑपरेशन करना, अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर जैसे कि हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये है, ठीक, और अगर हमारा इंप्लीमेंट है वो इस साइड पे हमारा क्या कर रहा है, सॉइल को पल्वराइज कर रहा है, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट अगर पल्वराइज कर रहा है, तो ये जो अनडिस्टर्ब सॉइल है, ठीक है ना, तो ये अनडिस्टर्ब सॉइल का जो ये वाला जो पोर्शन हो गया, उसका जो सरफेस हो गया, क्या कहलाता है आपका, फरो वॉल, ठीक है ना। जो छठवां नंबर क्वेश्चन है, तो छठवां नंबर जो क्वेश्चन है, अनडिस्टर्ब सॉइल सरफेस ऑफ ए फरो इज ए फरो इज, तो उसको क्या बोलते हैं, फरो वॉल। बाकी जो फरो स्लाइस है, जो ये टर्न हो रहा है, ये जो टर्न हो रहा है इसको अपन फरो स्लाइस बोलते हैं। फरो क्राउन, क्राउन तो क्या हो जाता है, जो इसका टॉप पोर्शन होता है, जो फरो स्लाइस टर्न हो रहा है ना, उसका जो टॉप पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन जनरली, फरो क्राउन बोलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप पोर्शन ऑफ द टर्न फरो स्लाइस। देखो ये जो अपन ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि क्राउन क्या होता है, वही क्वेश्चन यहाँ पर वापस से आ गया है। तो जो सेवन क्वेश्चन है, द टॉप पोर्शन ऑफ द टर्न फरो स्लाइस, जो आपको फरो स्लाइस जैसे टर्न होता है ना, ऐसे करके ऐसा टर्न हो रहा है, मान लो जैसे आपका फरो स्लाइस टर्न हो रहा है, तो जो ये वाला पोर्शन है, जो टॉप का पोर्शन है, ठीक है, टॉप के पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन, मतलब टॉप के पोर्शन क्या कहलाता है आपका, क्राउन कहलाता है, ठीक है। अब बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, फरो स्लाइस हो गया, तो जो ये फरो पूरा टर्न हो रहा है इसको अपन फरो स्लाइस बोलते हैं। जो सॉइल कट हो रहा है, जो सॉइल मास कट हो रहा है एक्चुअली में, वो क्या कहलाता है आपका, फरो स्लाइस कहलाता है। बाकी जो रिज हो गया, तो जैसे कि यहाँ पर जो रिज बनता है, ठीक है ना, जैसे कि ये आपका ये फरो ऐसा स्लाइस हो रहा है, तो जो रिज बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, ठीक है ना। और लास्ट नन ऑफ दिस, तो सेवन क्वेश्चन है, द टॉप पोर्शन ऑफ द टर्न फरो स्लाइस इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवन का आंसर बी, क्राउन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरो विद टू गैंग्स प्लेस इन ट्विन, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखना, जैसे कि हम लोग टाइप्स ऑफ जब हैरो
डिस्कस कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ हैरो में देखा था कि अपना एनिमल ऑपरेट मतलब एनिमल ड्रोन था, ट्रैक्टर ड्रोन था। ट्रैक्टर ड्रोन को अगेन हम लोग सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग में डिवाइड किया था, और डबल एक्टिंग को अगेन आपका टैंडम और ऑफसेट डिस्क हैरो में डिवाइड किया था। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है, हैरो विद टू गैंग प्लेज इंटमेट, दो गैंग है तो दो गैंग है, तो जैसे कि ये हो गया आपका एक गैंग इधर हो गया और दूसरा गैंग क्या हो गया आपका इधर हो गया, तो यहाँ पर ऐसे डिस्क क्या रहता है, ऐसे डिस्क कैसे माउंट रहता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आपका जैसे कि ये डिस्क ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या रहता है, ऐसे डिस्क ऐसे आपका माउंट रहता है, ठीक है। तो अगर ये आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या हुआ, ये आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होगा, उसको एक साइड आप जैसे कि ये फील्ड हो गया, मान लो कि जाए ये पूरा ऐसे फील्ड हो गया कंप्लीट, आप इसको क्या कर रहे हो एक साइड किसी पे हीच कर रहे हो, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर देखो आप इस इंप्लीमेंट को आप एक से हीच कर रहे हो, तो आपका सॉइल कितने बार पलराइज हो रहा है, सिर्फ सिंगल टाइम में हैरोइंग ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना। तो अब जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑफसेट डिस्क हैरो, टैंडम डिस्क हैरो, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो और डबल एक्शन डिस्क हैरो, ठीक है ना। तो ये जो आठवां क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा आपका, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो। देखो इन टू इंड यहाँ पर इन टू इंड क्या है, ये प्लेस्ड है, और आपका जो ये वाला जो इधर साइड का गैंग है वो आपके सॉइल को इस साइड पलवराइज कर रहा है, और ये जो ये वाला आपका गैंग है वो सॉइल को क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड में आपको क्या कर रहा है, हैरोइंग कर रहा है, फिर पलवराइज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो, ठीक है। अब बाकी जैसे कि जो और ऑप्शंस दिए हैं कि ऑफसेट डिस्क हैरो और टैंडम डिस्क हैरो या फिर डबल एक्टिंग डिस्क हैरो, तो उसके बारे में मतलब उसका भी देख लेते हैं कि जैसे कि जो ऑफसेट डिस्क हैरो और टैंडम डिस्क हैरो, ये तो डबल एक्शन डिस्क हैरो होता है, ठीक है ना। तो ऑफसेट में क्या होता है, एक आपका सिर्फ क्या होता है, दो गैंग होता है इस टाइप से। अगर इसका जो सामने का अगर जो डिस्क का अगर वो लेफ्ट साइड अगर सॉइल को पलवराइज कर रहा है, तो ये वाला किधर करेगा आपका, राइट साइड मतलब अपोजिट साइड में जस्ट, अगर ये इस साइड कर रहा है तो ये करेगा आपके इधर साइड। इसमें कितना होता है, दो गैंग होता है। और क्या ऑप्शन आपका, टैंडम डिस्क हैरो, तो टैंडम डिस्क हैरो में क्या होता है, नंबर ऑफ गैंग होते हैं वो 4 होते हैं, जैसे कि एक यहाँ गया, एक यहाँ, फिर एक यहाँ वापिस से, और एक क्या होता है आपका यहाँ होता है। मान लो जाए इसका जो डायरेक्शन है, ये सॉइल को पलराइज करने के इधर है, ये वाले गैंग का इधर है, तो जो इसका होगा इसके जस्ट जो उसके पीछे वाला इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। ये किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और इसका किधर हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या चीज, जो हैरो विथ टू गैंग प्लेस इन टू इन, उसको क्या बोलते हैं अपन, सिंगल एक्टिंग डिस्क हैरो, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। तो ये हो गया आपका 8वें क्वेश्चन, तो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेस्ट लेफ्ट टू ए सेंटर ऑफ स्ट्रिप ऑफ लैंड व्हेन प्लॉविंग इज स्टार्टेड फ्रॉम सेंटर टू साइड। अब देखो सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा, जैसे कि कोई भी हम सेंटर टू साइड अगर प्लॉविंग कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, गैदरिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये हमारा फील्ड हो गया, हम कैसे कर रहे हैं सेंटर टू साइड, मतलब इधर गए फिर ऐसे वापिस आए, ठीक है ना, फिर ऐसे इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हमारा प्लॉविंग कर रहे हैं, तो वहां पर जो फरो बनता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैक फरो कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, बैक फरो मतलब यहाँ पर जो स्लाइसेस जो सॉइल कट हो रहा है वो जो ओवरलैपिंग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बैक फरो बोलते हैं। बाकी जो फरो ऑल हो गया, डेड फरो हो गया, फरो स्लाइस हो गया, ये जो पिछले ऑब्जेक्टिव थे उसमें भी हमने इसका डिस्कस किया था कि फरो ऑल क्या होता है या डेड फरो क्या होता है या फिर बैक फरो आपका क्या होता है, ठीक है ना। तो ये क्या, जो 9 नंबर क्वेश्चन है, रेस्ट लेफ्ट एट द सेंटर ऑफ स्ट्रिप ऑफ लैंड व्हेन प्लॉविंग इज स्टार्टेड फ्रॉम सेंटर टू साइड, इज इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैक फरो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, अ हैरो हुज टाइम स्विंग बैक व्हेन द ऑब्स्टेकल इज इनकाउंटर्ड इज, ठीक है ना। तो जैसे कि हम जब कल्टीवेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड कल्टीवेटर होता है या फिर ट्रैक्टर ड्रॉन जो कल्टीवेटर होता है, सॉरी ये हैरो का क्वेश्चन है, तो ये हैरो उस टाइम स्विंग बैक व्हेन द ऑब्स्टेकल इज इनकाउंटर, ठीक है ना। तो जो हैरो हम लोग जब हैरो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैरो, ठीक है ना, जो डिफरेंट जो अदर्स हैरो या फिर आपका डिस्क हैरो के बाद जो हैरो का डिस्कस किया था, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, आपका पहला ऑप्शन क्या है, स्पाइक टूथ हैरो हो गया, और सेकंड ऑप्शन हो गया स्प्रिंग टाइन हैरो हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया आपका पटेला हैरो हो गया, देन लास्ट ऑप्शन क्या आपका ट्रायंगुलर हैरो हो गया, ठीक है ना। जो टेंथ ये जो 10th नंबर क्वेश्चन है, जो 10th नंबर का आंसर हो जाएगा स्प्रिंग टाइन हैरो, ठीक है ना। जैसे कि ये आपके क्वेश्चन से क्लियर हो जा रहा है कि हैरो हुज टाइम स्विंग बैक व्हेन ऑब्स्टेकल इज काउंटर, ठीक है, वो स्विंग बैक होगा, अगर उसमें कुछ स्प्रिंग टाइप से कुछ अरेंजमेंट होगा तो ये क्या होगा, वो स्विंग बैक होगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका
टेंथ नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या जाएगा, स्प्रिंग टेंथ हैरो। बाकी जो स्पाइक टूथ हैरो हो गया, पटेला हैरो हो गया, फिर ट्रायंगुलर हैरो हो गया, ये जनरली क्या होता है कि जो स्पाइक्स होते हैं वो रिजिड स्पाइक्स होते हैं, ठीक है ना। अगर वहां उसके सामने कुछ ऑब्स्टेकल आता है तो वो स्विंग बैक नहीं होता, वहां पर उसका डैमेज होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। तो जो आपका स्प्रिंग टाइम हैरो है जनरली जो स्टोनी सॉइल हो गया, जो स्टोनी सॉइल या फिर जो टॉप सरफेस हार्ड सॉइल हो गया, वहां पर जनरली हम किस टाइप का हैरो यूज करते हैं, आपको अगर आपको हैरोइंग करना है तो वहां पर स्प्रिंग टाइम हैरो यूज किया जाता है, ठीक है ना। इलेवंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इलेवंथ नंबर क्वेश्चन है स्पेशियल टाइप ऑफ हैरो विथ कर्व नाइव्स इज, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है, स्पाइक टूथ हैरो, स्प्रिंग टूथ हैरो, पटेला हैरो और एसीएमई हैरो, ठीक है ना। तो जो एसीएमई हैरो होता है, तो मतलब इलेवंथ नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एसीएमई हैरो। जो एसीएमई हैरो होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ जो हैरो, हमने जब इसके एसीएम हैरो डिस्कस किया था तो वहां पर भी बताया था कि जो एसीएमई हैरो होता है उसमें कर्व नाइफ्स होते हैं, उसको स्पेशल टाइप ऑफ हैरो भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम इतना ही ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक ड्राफ्ट कैसे मेजर करते हैं, कोई भी आपका प्राइमरी डिलेज इंप्लीमेंट हो गया या फिर सेकेंडरी डिलेज इंप्लीमेंट हो गया, कोई भी इंप्लीमेंट हो, हाउ टू मेजर द ड्राफ्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका जो ड्राफ्ट है कैसे मेजर किया जाता है, और कुछ सात से आठ ऑब्जेक्टिव और इस रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।